चंबल अंचल में सवारी वाहनों की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। यह कुछ नया नहीं, इसी तरह से यहाँ के लोग कई वर्षों से सफर करते आ रहे हैं। वाहन पलटने से कई बड़े हादसे हुए हैं जिनमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह घटना घटने के बाद प्रशासन 2-4 दिन तक वाहनों पर कार्यवाही कर चैन की नींद सो जाते हैं। वाहन चालक भी प्रशासन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। बड़े वाहन के साथ छोटे सवारी वाहन के साथ टमटम चालक भी ई रिक्शे की छत पर लोगों को बिठाकर और सुलाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 552 जोरा से मुरैना की तरफ आ रही मैजिक गाड़ी की छत पर सवारियां बैठकर सफर करती नजर आई। वहीं ई रिक्शा और टमटम की छत पर सोते हुए सवारियां सफर कर रही थी। ऐसे एक दो वाहन नहीं, सैकड़ों वाहन इस नेशनल हाईवे क्रमांक 552 पर जोरा से मुरैना की और मुरैना और जोरा की तरफ से सफर कर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, साथ में अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम विभाग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार्यालय में समय पास करता हुआ नजर आते हैं। जब कोई बड़ा हादसा प्रदेश या जिले में हो जाता है तो 2-4 दिन के लिए सड़कों पर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी वाहनों की चेकिंग करते नजर आते हैं। जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, जिम्मेदार अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर अपना समय पास करते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जगह जगह चौकियां और थाने बनाए गए, वह भी इस ओर ध्यान नहीं देते। थाने और चौकियों के सामने से ऐसे वाहन गुजर जाते हैं, कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद जाते हैं और यह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैसों के लालच में ग्रामीण भोले भाले मासूम लोगों को छत पर बिठाकर सफर कराते हैं। देखिए, कार्रवाई आरटीओ के द्वारा निरंतर की जाती रही है। पहले भी जुर्माना आरटीओ ने किया है, अभी भी स्कूल वैन से बच्चों को सुरक्षित रखने के संबंध में कार्रवाई की है, चालान की कार्रवाई की है, 52 वाहनों की जब्ती की है। जौरा रोड का कुछ वीडियो आपने मुझे दिखाया है, मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से जोखिम भरा है। ऑटो के ऊपर सोकर जाना या बस के ऊपर बैठना, मेरी बात हो गई आरटीओ से, इस क्षेत्र पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, पुनः कार्रवाई हम करेंगे। ये उम्र है थोड़ा सा मौज मस्ती करने का, और इसी में खतरे से मोल ले लेते हैं, दुर्घटना हो जाती, बाद में लोग पछताते हैं। मेरी जिला प्रशासन की तरफ से तो ये एडवाइजरी रहेगी हमारी कि छात्र ऐसा न करें, दूसरे बस से जाएं अंदर बैठकर। देखिए, कार्रवाई तो इसमें ट्रैफिक की कार्रवाई काफ़ी अच्छी चल रही है और लगातार इसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो वीडियो भी जो मुझे देखने को आया है उसमें कुछ बसेस भी ओवरलोड दिख रही हैं, कुछ जो और जो लोडिंग छोटे वाहन हैं वो भी ओवरलोड दिख रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो उसके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं थाना प्रभारी जो भी अभी वीडियो आया है मैं उनको भेज भी रहा हूँ, और ये इस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो आरटीओ विभाग, देखिए आरटीओ विभाग भी अपना काम करता रहता है, पर अक्सर कर आरटीओ पुलिस के साथ में मिलकर के ये काम करता है, और हमारे यहाँ मुरैना ज़िले में आरटीओ अभी काफ़ी कार्रवाई कर भी रही है। ये वीडियो मैं उनको भी भेज दूँगा और मिलजुल करके इसमें काम करेंगे। ये इस तरह का कोई कृत्य, इसमें क्या है, कभी न कभी एक्सीडेंट की एक आशंका बनी रहती है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें कार्रवाई कराएंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।